विनोद जी, आपसे शुरू करते हैं। अयोध्या में जो कुछ हो रहा है और जो जातिगत समीकरण बैठाए जाने की कोशिश हो रही है, ये अब बहुत खुल्लम खुल्ला हो रही है। मतलब अब आर शब्द का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या सचमुच में ये जो पूरा आयोजन है वो राजनीति और खासतौर से अब जो 150 पिछड़ी और दलित जातियों को निमंत्रण भेजे जाने की घटना सामने आई है, मतलब कोशिश सामने आई है, उसे किस तरह से देखा जाए? नहीं नहीं देखिए मुकेश जी, पहले दिन से, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी ने 1988 में पालनपुर अधिवेशन में राम मंदिर को अपने एजेंडे में शामिल किया था, उसी दिन से वो राजनीतिक एजेंडा बन गया था। उसके पहले वो साधु संतों का एजेंडा था, धर्माचार्यों का एजेंडा था, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन उसमें जुड़े जरूर हुए थे, लेकिन वो एजेंडा राजनीतिक नहीं था, एक धार्मिक एजेंडा था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपने हाथ में लिया तो राजनीतिक एजेंडा बना, और चाहे आडवाणी जी की रथ यात्रा से लेकर के और आज राम मंदिर के लोकार्पण तक, विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी ने उसको राजनीतिक एजेंडे के रूप में रखा। हर जगह जय श्री राम का नारा एक तरह से उनका ब्रांड बन गया, और हर चुनाव में, हर चुनावी सभा में भगवान श्री राम के नाम पर बाकायदा जो है मंदिर के नाम पर वोट मांगे गए। आप याद कीजिए, जब पहली बार सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की, तब कल्याण सिंह को जो मुख्यमंत्री बनाया गया था 1991 में, तो मंडल और कमंडल का जो फ्यूजन करने की कोशिश बीजेपी ने की थी, वरना उस समय भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में कई बड़े नेता थे जो मुख्यमंत्री बन सकते थे, जो सवर्ण थे। लेकिन तब तत्कालीन जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आडवाणी जी थे, उनके जो सलाहकार और संगठन महासचिव थे गोविंदाचार्य, तो जो सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी लेकर के आए, तो उनको था कि क्योंकि संघ का जो हिंदुत्व तो है वो तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक उसमें शिखर से लेकर नक्शे तक सभी जातियां शामिल ना हो एक इकाई के रूप में, उसमें ब्राह्मण से लेकर और दलित तक, वो उसकी शुरू से कोशिश रही है। वो अलग बात है कि वो उस समय तक, लंबे समय तक, तमाम जो वर्णवादी और ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है उसके तहत जो है वो उसको कर नहीं पा रहे थे, लेकिन 90 के बाद जब मंडल आया तो मंडल के आते ही आडवाणी जी कमंडल लेके निकले थे। देखिए आप, मैं इसलिए ऐतिहासिक बातें कर रहा हूँ क्योंकि समय ये सब चीजें लोगों को जानना जरूरी है। वो पीढ़ी जो है इस समय, आज धीरे धीरे कम होती जा रही है जिसने उन सब चीजों को देखा है। मंडल जब राष्ट्रवादी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, कश्मीर उनके एजेंडे में रहा है, लेकिन जब महबूबा मुफ्ती की बहन रुबैया सईद का अपहरण होता है और उनके उस एवज में आतंकवादी छोड़े जाते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी समर्थन वापस नहीं लेती सरकार से, वीपी सिंह सरकार से, वो समर्थन वापस लेने का कारण खोजती है तब, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल लाते हैं और मंडल के बाद जो है तब आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर निकलते हैं, कह रहे हैं तो सारा एजेंडे गड़बड़ा जाएगा, और उसके बाद मंडल और कमंडल की लड़ाई शुरू होती है, और उसी के तहत कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बना करके मंडल और कमंडल दोनों को साधने की कोशिश होती है, और खुद इस बात को कल्याण सिंह जानते थे। इसीलिए जब बाबरी मस्जिद गिरी है 26 दिसंबर 1992 को, तो शुरुआती समय में बहुत ऊहापोह में थे वो, और उसके बाद 1993 में जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ काशीराम जी और मुलायम सिंह जी का, तो भारतीय जनता पार्टी हार गई चुनाव, तो उनको और झटका लगा। उसके बाद से लगातार मंडल और कमंडल को एक साथ, यानी कमंडल के अंदर मंडल को रखने की कोशिश लगातार संघ परिवार भारतीय जनता पार्टी करती रही, और 2014 में आते आते उसने एक ऐसा अम्ब्रेला बनाया अपना, तो पिछड़ी जातियों को उसने उस हिंदुत्व के छाते के नीचे लाने की पहली सफल कोशिश की, और उसके लिए हमारी मंडलवादी पार्टियां जिम्मेदार है, जिस तरह उन्होंने राजनीति की, परिवारवादी राजनीति और तमाम तरह की जो है वो राजनीति जिससे लोग सहमत नहीं थे, और मौका मिला भारतीय जनता पार्टी को। राम मंदिर का जो ये कार्यक्रम हो रहा है जिसमें 150 जातियों को दिया गया है, तो उसी की कोशिश है। जिस तरह जाति जनगणना बिहार में नीतीश कुमार ने उसके सर्वेक्षण जारी किया है, इंडिया गठबंधन बना है, जाति जनगणना की मांग लगातार राहुल गांधी से लेकर के इंडिया गठबंधन का हर नेता कर रहा है, हर चुनाव में कर रहा है, भले ही 3 राज्यों में कांग्रेस हार गई हो लेकिन जाति जनगणना का मुद्दा उन्होंने छोड़ा नहीं है। तो जाति जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जो हिंदुत्व के पूरी अवधारणा को खंडित कर सकता है, क्योंकि पहचान संघ परिवार चाहता है कि हिंदू पहचान बने, जाति जनगणना उस पहचान को जाति पहचान में बदल देगी कि भाई इतने यादव, इतने कुर्मी, इतने ओबीसी, इतने ये ब्राह्मण थे, तो वो
इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर के एजेंडे को इतना ज्यादा महत्व दे रहे हैं कि आप देखिए कि खुद सारी चीजों का निरीक्षण कर रहे हैं, 20 दिसंबर को गए वो, और इसको इतना बड़ा भव्य और दिव्य आयोजन बनाने की कोशिश हो रही है कि इसके आलोक में सारे मुद्दे तिरोहित हो जाए, जाति जनगणना का मुद्दा भी कमजोर पड़ जाए, और अब वो उनका वो महिला के यहाँ, दलित महिला के यहाँ जाके चाय पीना और उसको निमंत्रित करना, जो माझी मीरा माझी, उसके बाद फिर जो है 150 जातियों को देना, ये सारा मतलब हिंदू समाज को संघ परिवार के झंडे के नीचे, हिंदुत्व के एजेंडे के नीचे गोलबंद करके और राजनीतिक लड़ाई को जीतना है। तो ये एक उनका पूरा, और इसलिए इससे वो इनकार भी नहीं करते। देखिए वो कहते हैं कि राम मंदिर तो हमारा एजेंडा है, 370 हमारा एजेंडा था, ये हमारा, तो वो इनकार भी नहीं करते हैं। इसलिए इसको ये मानना कि खाली आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजन है, अगर आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजन होता तो शंकराचार्य को बुला करके प्रतिष्ठा करवानी थी। जब प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो इसका मतलब उसके पीछे जो है एक राजनीतिक आयोजन है, या राष्ट्र प्रमुख से करवाना था तो राष्ट्रपति को होना चाहिए था। लेकिन वो पूरा शो जो है, पूरा भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी बताना चाहते हैं कि आज राम मंदिर जो का जो लोकार्पण हो रहा है, जो निर्माण हुआ है, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का लगातार संघर्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उसके प्रयास, उस वजह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया और मंदिर का निर्माण हो गया। तो ये पूरा उन्होंने कि भाई हमने जो वादा किया, मतलब तो 2 करोड़ का वादा जो है वो लोग भूल जाए, मंदिर का वादा हमने पूरा कर दिया, 370 का पूरा कर दिया, ट्रिपल तलाक का पूरा कर दिया। आप कहते हो कि तो जो मोदी की गारंटी है, वो गारंटी ये है कि मंदिर बन रहा है, 370 हट गया, ट्रिपल तलाक आ गया। तो इस तरह से वो उसको उन पुराने मुद्दों को जो आर्थिक और सामाजिक मुद्दे हैं उनके ऊपर ये मुद्दा पूरी तरह से हावी रहे लोकसभा चुनाव के दौरान, ये एक पूरी कोशिश है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।